आदिवासियों की गूंज इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि इस 125 करोड़ के इस देश के अंदर आदिवासी एक अलग अपनी पहचान बनाए, अलग वो दिखे भी और मजबूती के साथ आगे भी बढ़े। आज करम महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ तमाम मुख्य अतिथिगण, यहाँ हॉस्टल के छात्र छात्राएं, आप सब लोग मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा के लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। हम लोग यहाँ हर वर्ष क्रम महोत्सव में आते रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को आप सब लोग मिलकर और उत्साहवर्धक बना भी रहे हैं और हमारी भी ये परिकल्पना है आदिवासी त्योहारों का एक अलग स्थान बने और मजबूती के साथ अपने त्योहारों को हम पकड़ कर रखें, अपने कंधों पर उठाएं और आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करके चले। आप सब लोगों को मालूम है मैं तो यहाँ आता रहा हूँ, यहाँ कॉलेज प्रशासन के कई लोग उपस्थित हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग छात्र छात्राएं सभी लोग, और मैंने पहले भी कहा था कि इस परिसर के अंदर सरकार की तरफ से मैं कोई विशेष कार्य योजना लेके आऊंगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज झारखंड की इस राजधानी में पहले चरण में कल्याण विभाग के माध्यम से छात्र और छात्राओं के लिए मल्टी स्टोरेज हॉस्टल बनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। लगभग 50 करोड़ की योजना होगी और मुझे लगता है ये हॉस्टल इस राज्य का एक अद्भुत और आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस होगा। और हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग अधिकतर गांव देहात से आते हैं और बहुत जद्दोजहद करते हुए अपने सीमित संसाधन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई बच्चे विभिन्न सरकारी हॉस्टलों में रहकर कॉलेजों की पढ़ाई करते हैं और मैं भी कई बार जब मैं छात्र राजनीति में रहा तो मुझे कई कॉलेज कई हॉस्टलों में जाने का मौका मिला और काफी छात्र छात्राओं के बीच में उत्साह और एक दूरदर्शिता तो दिखी, लेकिन इनके बीच में कई सारे ऐसे अड़चने हैं जहां आज के दिन में भी उन न्यूनतम चीजों से ये जद्दोजहद कर रहे होते हैं। आज इस कड़ी में हमने ये निर्णय लिया है और हमारे मंत्रिमंडल के अंदर इसका निर्णय भी हो चुका है। अब इस राज्य के जितने भी हमारे कल्याण विभाग द्वारा हॉस्टल छात्र छात्राओं की बने हैं उन सभी जगहों पर
अब सरकार भोजन उपलब्ध कराने का काम करेगी। आपके लिए रसोईया भी होगा, आपके लिए गेटकीपर भी होगा और आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी होगी। अब आपको खुद से आपका खाना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो एक प्रोफेशनल हमारे हॉस्टल होते हैं उसी की तरह हमारे सरकार के हॉस्टल भी चलेंगे। आज कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलने की आवश्यकता है। आज आप लोगों ने देखा, इसी कड़ी में हम लोगों ने सीएम एक्सीलेंसी स्कूल स्टार्ट किए। पहले चरण में 80 विद्यालय को यहाँ पूरे राज्य में हम लोगों ने चालू किया और ये आने वाला समय में लगभग 5000 तक मुझे ले जाने का है, जहाँ हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा ग्रहण करती है बिल्कुल उसी का स्वरूप वहाँ पर आपको पढ़ाई का मिलेगा। क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, हमारे कई खामियों की वजह से हमारे बच्चे अच्छे अच्छे नौकरियों में, अच्छे अच्छे कंपटीशन में पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमने उसका निदान निकालने का प्रयास किया है। एक दिन में नहीं, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। जिस रफ्तार के साथ शिक्षकों में, उन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ चुके हैं। कई अलग अलग चीजें हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, करना बाकी भी है। आज करम महोत्सव है, आज बारिश बहुत अधिक हुई है। मौसम आने से पहले का जो मंजर था, मुझे बहुत चिंता ये सताती थी, लगता है इस बार भी सुखाड़ का घोषणा मुझे करना पड़ेगा। लेकिन समय बीतता गया और ऊपर वाले ने खेती बाड़ी से जुड़ा प्रकृति के ऊपर अपनी नजर डाली। मैं लगभग पूरे रात के भ्रमण में जाता हूँ और जमीन को देखता हूँ तो चारों तरफ लोग खेती बाड़ी में भी व्यस्त है, हरियाली है और निश्चित रूप से हरियाली ही हमारी एक संकेत है कि हमारा समाज के अंदर, हमारा गांव देहात के अंदर रहने वाले लोग, उनके चेहरे में कितनी खुशियां हैं, उनके चेहरे में पैसे से अधिक बारिश की महत्व है। हरा भरा प्रदेश, खेत खलिहान, अनाजों से लहलहाते खेत, अनाजों से भरा हुआ खलिहान किसी भी गरीब किसान के लिए एक ऐसा सपना होता है मानो कि उसके जो त्याग है, जो बलिदान है, उसका फल मिल रहा हो। इसी आशा उम्मीद के साथ किसी तरीके से हम सभी लोग प्रकृति के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आज कहीं कहीं प्रकृति की नाराजगी भी हमें देखने और झेलने को मिलता है, हम उससे बच पाए। आप सब लोगों को आज की इस करम उत्सव पर मेरे ओर से पूरा ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार। अभी तो